हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। देखिए, यह है चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न। देखने में आपको कैसा लग रहा है, इसको अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा समय लग सकता है, कम से कम एक मिनट का समय लग सकता है। लेकिन हम आपको कराएंगे ट्रिक के माध्यम से, जिसमें आप केवल 4 से 5 सेकंड में इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको मूलधन दिया है 1000 रुपए, समय आपको 2 वर्ष दिया है और रेट यहाँ पर 10% दिया है। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो आपको क्या करना है आइए हम बताते हैं। सबसे पहले 10% को इसके भिन्न वाले मान में चेंज कर लेंगे। तो देखिए, रेट हमेशा 100% होती है, पर यहाँ पर कह रहा है कि 100% का 10वां हिस्सा, यानी कि इस 10 में 100 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/10 यहाँ पर आ जाएगा, 1/10। आपके समझ में आ गया। तो देखिए, यहाँ पर ये आपका मूलधन है यानी कि P है और ये आपका अमाउंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मूलधन रख देंगे कितना, 10 रुपए यहाँ पर रख दिया हमने, ठीक है। उसमें एक ये जोड़ देंगे तो 10 में एक जोड़ेंगे तो 11 यहाँ पर अमाउंट आ गया। हम जानते हैं कि मूलधन में जब एक जोड़ देंगे तो अमाउंट बन जाएगा। उसके बाद 2 वर्ष की बात हो रही है, तो 2 वर्ष के लिए यहाँ पर 10 एक बार और लिख देंगे और एक बार 11 और लिख देंगे 10 में एक जोड़ने के बाद में, ये आपका बन गया। अब क्या करना है, बस इसके नीचे एक लाइन खींचिए, 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 100 बनेगा। 11 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 121 बनेगा। और हम जानते हैं कि पी माइनस ए क्या होता है, सी आई होता है। यहाँ पर P माइनस ए करेंगे तो 121 में से जब 100 घटाएंगे तो यहाँ पर 21 मिलेगा, जो कि हमारा CI है। और हमको मूलधन कितना दिया है, यहाँ पर मूलधन है 100 लेकिन ऊपर दिया है 1000। तो P की वैल्यू हम निकालेंगे तो देखिए 100 = 1000 हो गया। अब हमको A की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, 100 का इसमें डिवाइड दे देंगे, यहाँ से 100 हटा देंगे। तो देखिए, 100 का इसमें डिवाइड देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 10। अब क्या निकालना है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, हमको CI निकालना है, CI कितनी मिली थी, 21 और 1 की वैल्यू है 10, तो 21 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 210 रुपए आपके CI आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ गया। अगर आपको अमाउंट निकालना तो अमाउंट की वैल्यू कितनी है, 121, तो 121 यहाँ पर लिख दीजिए और 1 की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, तो 10 यहाँ पर लिख दीजिए, तो 1210 रुपए ये आपकी CI निकल के आ गई, CI यहाँ पर आ गई और ये आपका मिश्रधन निकल के आ गया। तो ऐसे हम कर सकते हैं मात्र 4 से 5 सेकंड में इस सवाल को। देखिए, हमने आपको समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा है, नहीं तो आप इसको सिर्फ 3 से 4 सेकंड में इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी वीडियो, बहुत सी ट्रिक हमने अपने चैनल में दे रखी है, तो एक बार हमारे चैनल में जरूर जाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी हमने कुछ महत्वपूर्ण जो है विषयों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो एक बार वहां पर जाकर के चेक जरूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर यहाँ पर 3 साल हो 4 साल हो तो कैसे आंसर निकालेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।